नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग आए हैं छत में पाइपिंग करने के लिए। और दोस्तों छत में कहीं पर यदि पाइपिंग करने आए हैं तो सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, पहले काम कैसे स्टार्ट करना है, इस सारे चीज आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहे तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इसका फिटिंग किया जाता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम है और एक फैन बॉक्स डाला हुआ है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं इसमें जो फैन बॉक्स है इसमें बालू भरा हुआ है और इस तरह से प्लास्टिक में पैक किया हुआ है। इस तरह से इसको हम रख देंगे और ये जो फैन बॉक्स है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, रूम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सील बॉक्स है जो कि इसमें भी बालू भरा हुआ है, देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से हम करेंगे तो इसमें से बालू निकल जाएगा, बालू नहीं निकलेगा, बिल्कुल फिनिशिंग रहता है। रूम रखेंगे, कार्टून को ही मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो जब क्या होता है कि लाइट लगता है, फैन लगता है तो नीचे में यदि मेजरमेंट सेम नहीं है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, मेजरमेंट बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। और ये जो फैन है, फैन और कंसील का दूरी जो है इसको कम से कम 3 फीट होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना, 3 फीट से ज्यादा रहेगा यानी ये रूम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, लेकिन ये चीज ध्यान रखें कम से कम 3 फीट रखेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जब फैन लगेगा तो उसका डैना जो आएगा वो लाइट का बबलिंग आ सकता है। तो इसको आपको 3 फीट कम से कम दूरी रखना है, 3 से 3.5 फीट रखना है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने इस तरह से जो बाहर है ये बालकनी है, यहाँ पर भी हमने कंसील्ड बॉक्स को डाल दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो पाइप यूज कर रहे हैं ये प्रिसीजन कंपनी का पाइप यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो है, प्रिसीजन कंपनी है पाइप। दोस्तों वीडियो देखे होंगे जो मेरा छत में पाइपिंग है वो अधिकतर वीडियो में प्रिसीजन कंपनी का ही हम लोग पाइप यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ये इसका प्रचार कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो पाइप है वो पाइप जो बहुत अच्छा क्वालिटी है, हमको अच्छा लगता है। हम जहाँ तक कस्टमर को सलेशन देते हैं कि सर आप प्रिसीजन कंपनी का ही पाइप ले और इसको अच्छा जो इसका जो क्वालिटी है बहुत अलग क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, इसमें आप इस तरह से चढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि यहाँ पर इस तरह से चढ़ते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका जो रेंज है, क्वालिटी है, MMS है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 25 mm × 3 mm MMS, ये MMS है, HMS आता है और एक LMS आता है, 3 क्वालिटी का है। ये मीडियम क्वालिटी है जो कि रेट के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्रिसीजन कंपनी का ही पाइप यूज करें, जो कि हम लोग यहाँ पर इसको से काम किए हैं, कहीं पर कोई तरह का समस्या नहीं आया है, फॉल्ट नहीं आया है। और कहीं पर ऐसा हुआ है कि यदि हम लोग पाइप दूसरा कंपनी को यूज किए हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ढलाई होता है तो उस टाइम वर्कर लोग जो होते हैं उनको पाइप टूटने से कोई मतलब नहीं है, उन लोग का केवल काम है ढलाई करना और यहाँ से निकल देना। तो वहाँ पर समस्या ऐसा आता है कि पाइप टूट जाता है। ये जो पाइप है ये टूटेगा कभी नहीं, चंप सकता है। लेकिन दोस्तों अब हम पाइपिंग को करते हैं फिटिंग, किस तरह से पाइपिंग फिटिंग किया जाता है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर मकान मालिक उपस्थित है, आज हम लोग यहाँ पर छत में पाइपिंग करने आए हैं और मकान मालिक से कुछ चीज़ें जानेंगे। ये क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो मकान है ये 3 फ्लोर हो चुका है और इसके नीचे किसी दूसरा इलेक्ट्रिशियन ने काम किया था। यहाँ पर हम लोग आए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हम लोग का काम करना, ये जो मेरा सिस्टम और जो दूसरा इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर काम करने आया था उसका बारे में ये जो मकान मालिक हैं इनसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बताइए कि जो हमने काम यहाँ पर कर रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है? जैसा कि पहला जो इलेक्ट्रिक मेरे पास काम किया था उनका करने का तरीका अलग था बिल्कुल, इसमें वो कागज का काम करते थे और इसको मैं कागज भरे हुए थे। हाँ जी, और आप जो कर रहे हैं इसमें बालू डाले हैं तो ये काम मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जो अगला बार जब आप काम कीजिएगा तो आपको आसानी पड़ेगा। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम कंसील बॉक्स और फैन बॉक्स में प्लास्टिक में करके बालू भरे हुए हैं, इसको जब हमको ओपन करना होगा, खोलना होगा, तो यहाँ पर इसको हम प्लास्टिक को इस तरह से फाड़ेंगे। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, ऐसे फाड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसमें से निकल जाएगा। नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये खाली हो जाएगा, ये फ्रेश रहेगा, इसको में कंक्रीट जाने का कोई भी चांस नहीं है। पिछला बार चला जाता था, पिछला बार जब उन लोग पेपर डाले थे तो वहाँ पर कंक्रीट मतलब चला जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइप को कटिंग किया है। पाइप को कटिंग करने का जो तरीका है वो जो कंसील बॉक्स है उसको में हाफ पुश होना चाहिए, यानी हाफ उसको में इन होना चाहिए, और इसको में जो कंसील बॉक्स है इसको में आर पार होकर यहाँ पर ये जो सरिया है इसको तक पहुँचना चाहिए। यहाँ पर बनाएगा उसके बाद फिटिंग होगा। इसको में हम लोग पहले टेपिंग करेंगे,
टेपिंग करने का फायदा यह है कि यदि कंक्रीट होता है तो कंक्रीट इसमें पाइप में ना जाए, यदि कंसील्ड बॉक्स में किसी तरह से कंक्रीट चल जाता है तो वो साफ हो जाएगा, लेकिन पाइप में चला जाता है तो बहुत वो मुश्किल हो जाता है, ढलाई को तोड़ना होता है, बहुत समस्या आ जाता है। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, पहले पाइप में इस तरह से टेपिंग कर लेंगे, ये जो हॉल है इसको ब्लॉक करेंगे, इस तरह से टेपिंग करेंगे। तो इसको में हमको पुश करना है, तो सबसे पहले एक पाइप को टुकड़ा लेंगे, इसको जरिए इस तरह से हम हॉल कर लेंगे, इसको में बिल्कुल आसानी से हॉल हो जाता है और इसमें कोई भी स्पेस बीच में नहीं बनता है, जो कि यहाँ पर कंक्रीट जाने का कोई भी चांस नहीं है। और ये जो पाइप है ये डबल जाल बांधा हुआ है, एक जाल जो है ये उठ जाता है, एक जाल जो सरिया है ये उठ जाता है, एक जाल का यानी दोनों जाल का बीच में होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से डाला है और इसको यहाँ पर पुश करेंगे। यदि हम इस बॉक्स को इतना पर छोड़ते हैं तो क्या होगा कि जब ढलाई के समय इस तरह से ये उठ सकता है तो क्या होगा कि ये तिरछा हो जाएगा, तो लाइट फिटिंग करने में समस्या आता है। तो कहीं पर यदि पुश करते हैं तो यहाँ पर आर पार करना होगा, इस तरह से यहाँ पर हम बांध देंगे और यहाँ पर बांध देंगे, ये जो लाइट है ये राइट लेफ्ट किधर भी नहीं होगा, ये एकदम परफेक्ट होगा। तो कभी भी यदि जिस कंसील्ड बॉक्स में एक तरफ से पाइप आया है, यदि इस तरह से केवल एक साइड से पाइप इसमें आया है तो वहां पर हम आर पार कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया है इस तरह से करेंगे, उसके बाद दोनों साइड बंधा जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, अप डाउन करने का कोई भी चांस नहीं है। इसी तरह से सभी जो भी मेरा बेडरूम है सभी में पाइप को हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग काम करते समय वीडियो को बनाते हैं तो काफी लॉन्ग वीडियो बनता है, तो पहले हम लोग यहाँ पर जो भी मेरा पाइप है फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा छत का पाइपिंग था वो प्रॉपर फाइनल हो गया है, जो भी मेरा फैन बॉक्स था कंसील बॉक्स था सभी को हम मेजरमेंट करके पाइप फिटिंग कर दिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने पाइप को फिटिंग किया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक फैन बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पर एक कंसील बॉक्स है और एक कंसील बॉक्स यहाँ है, यानी ये जो रूम है 10x8 का रूम हुआ, हालांकि पूरा जो है ये हॉल ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कभी ये रूम बने, रूम बाय रूम अलग अलग बने, तो उसको हिसाब से हम लोग यहाँ पर पाइपिंग फिटिंग किए हैं, एक ड्रॉप यहाँ पर किए हैं और यहाँ से जिधर भी कटिंग करके जाना होगा और चले जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद एक कंसील बॉक्स यहाँ दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये यदि रूम अलग अलग बनता है तो ये गलियारी हो जाता है, और यहाँ पर एक कंसील बॉक्स दिया हुआ है और एक ड्रॉप यहाँ पर भी हम गिरा दिए हैं। दोस्तों हम लोग पाइप को फिटिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हैं सभी लगभग जिस तरह का एक रूम में मेरा फिटिंग किया हुआ है सभी बेडरूम में इसी तरह से फिटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पाइप फिटिंग करने का जो तरीका है उसको कभी भी डबल जाल जो है उसको एक सरिया का ऊपर होना चाहिए और एक सरिया का नीचे होना चाहिए, जैसे ये जो पाइप है आप देख सकते हैं बीच में होना चाहिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं बीच में हम पाइपिंग को फिटिंग किए हैं। यदि पाइप को फिट हम ऊपर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये जो कंसील बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, और यदि रड को जो दोनों लेयर रड है उसको हम नीचे डालते हैं तो क्या होगा कि जब सेटरिंग खुलता है तो वहाँ पर जो पाइपिंग है वो दिखता है और वो प्लास्टर होता है पेंट होता है फिर भी वहाँ पर क्रैक बन जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी यदि सिंगल जाल बांधा हुआ है तो आप ऊपर से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पर यदि डबल जाल बांधा हुआ है यानी डबल लेयर में जो सरिया है वो बांधा हुआ है तो वो कभी भी बीच में होगा, जैसे हमने यहाँ पर फिटिंग किया है इस तरह से, यहाँ पर भी हमने फिटिंग किया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये सीढ़ी का एरिया है, और हमने यहाँ पर जो MCB बॉक्स है उसको यहाँ पर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं इस कंसील बॉक्स से यहाँ पर एक ड्रॉप किए हैं, जो कि मेरा जो भी इधर का जो सप्लाई है यहाँ पर इस पार्ट का जो सप्लाई है बिल्कुल आसानी से इस रूट से आएगा, और यहाँ पर ये जो एक पाइप डाला हुआ है इसको में हम 2-3 सर्किट बना सकते हैं, 2-3 भाग में एक पाइप में आराम से चला जाएगा, और इसको इस तरह से आता है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है और यहाँ पर MCB बॉक्स आएगा, और एक पाइप आप देख सकते हैं इस तरह से जो बीम है इसमें है आगे चला गया है, जो कि मेन सप्लाई जहाँ से आएगा मेन बोर्ड से सप्लाई आएगा वो इस रूट से आएगा ऐसे, और यहाँ पर ड्रॉप हो गया है, यानी मेन बोर्ड से जो सप्लाई आता है वो डायरेक्ट MCB बॉक्स में आ जाता है, और यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, एक सप्लाई इधर का अलग हो जाता है और दूसरा जो सप्लाई है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस रूट से आ रहा है, इस रूट का जो भी मेरा पाइप फिटिंग किया हुआ है इसको में है इस तरह से आता है, यहाँ पर इस कंसील बॉक्स से आया है और यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया है। दोस्तों
दोस्तों यहाँ से जो ड्रॉप किया हुआ है इसको कटिंग, जब हम लोग वॉल कटिंग करेंगे यहाँ से कटिंग करके सीधे लाएंगे यहाँ पर एमसीबी बॉक्स में, यानी एक एमसीबी बॉक्स से फर्स्ट सर्किट उठता है इस रूट में चला जाएगा और दूसरा जो सर्किट है इस तरह से आएगा और इधर आ जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम जिस तरह से मेरा पाइपिंग उस साइड फिटिंग किया हुआ है, बस सेम सभी जो भी मेरा छत का पाइपिंग था वो बिल्कुल सेम फिटिंग किया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो यहाँ पर छत में पाइपिंग किया है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।